Good to go. Happy anniversary, Mr. and Mrs. Kishore. Thank you, Kalyan. Enjoy your food. And by the way, ma'am, you look beautiful. Thank you, Kalyan. You're welcome. Thank you. Sir, एक सेल्फी ले सकती हूँ? Sure. Thank you. Thank you. Thank you. कल्याण, आज की बम्पर कमाई 1,52,000. Wow, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. Correct. तो आज पूरे स्टाफ को Let's give 10% bonus. Thanks, boss. You're welcome. ये निकम्मे सैलरी के लायक भी नहीं है. इन्हें बोनस दोगे? अंकल. 10% ही क्यों? पूरा का पूरा इन्हें दे दे. दे दे. आपने इब्राहिम लिंकन का नाम सुना है? उनका नहीं. जॉन इब्राहिम का सुना है. एक्टर कम बॉडीगार्ड. क्या नॉलेज है आपकी? पता है उन्होंने क्या कहा था? अब ये मत कहना कि इनको बोनस देने का आइडिया उनका था. नहीं अंकल. सक्सेस अकेले इंसान की नहीं होती. सबका प्रोग्रेस ही असली सक्सेस होता है. बॉलीवुड का हीरो है. सही बात ही बोलेगा. ठीक है, दे दो बोनस. मजे करो. एंजॉय. थैंक यू अंकल. एंजॉय गाइस. सॉरी, वी आर क्लोज्ड. इसे हमेशा के लिए बंद कर दो. आई एम जॉन्सी फ्रॉम सिविक ऑफिस GHMC. हमें कंप्लेंट मिली है यहाँ अनहाइजीनिक खाना सर्व किया जा रहा है. यहाँ आने वाले कस्टमर्स बीमार पड़ रहे हैं. हमें रेस्टोरेंट सीज करना पड़ेगा. क्लोज दिस स्टिंकिंग रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट में कुछ स्टिंक तो हो रहा है, बट आई थिंक दैट्स योर परफ्यूम. हेलो, माइंड योर वर्ड्स. फ्रांस से मंगवाया है. फ्रांस में चाइनीज माल भी मिलता है. तुम एक्टिंग में बिल्कुल जीरो. झांसी भी कोई नाम होता है? इडियट, तुम्हें पता कैसे चल जाता है? आवाज बदलना काफी नहीं है. पहले तुम अपना ये हॉरिबल परफ्यूम बदलो. थैंक्स फॉर द एडवाइस. वेलकम. बाय द वे, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है. तुमने अपनी मैगजीन में मुझ पर आर्टिकल लिखा है? अब ये कैसे पता चला तुम्हें? उस दिन तुमने मुझसे कुछ स्टूपिड सवाल पूछे थे ना, मैं तभी समझ गया. तुमसे जीतना इम्पॉसिबल है. गेस करो क्या लिखा होगा इसमें. मेरी तारीफ होगी, वैसे कुकिंग की भी तारीफ होगी. ठीक है, चलो पढ़कर सुना दो. कल्याण, एक नामचीन मास्टर शेफ. 15 साल की उम्र में उन्होंने आंखें खोई, पर अपना कॉन्फिडेंस नहीं. वो ऐसा खाना बनाते हैं मानो उनके हाथों में जादू हो. और जस्ट स्टॉप इट. पढ़ने दो ना. जरा वो मैगजीन साइड में रखना, फिर कभी आराम से बता देना. ठीक है. तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड हूँ इसलिए प्रमोट कर रही हो या बेस्ट शेफ हूँ इसीलिए तारीफ की है? मेरा बेस्ट फ्रेंड बेस्ट शेफ है तो मैं क्या करूँ? ट्रू. कल्याण. हाँ अंकल. चाबियां पकड़ो. गुड नाइट बॉस. बाय बॉस. थैंक यू. गुड नाइट. बाय अंकल. गुड नाइट. बाय गाइस. बाय गाइस. तो हम भी चले? अनु. ओ हाँ, सॉरी. रात देर अकेले बैठना, गिटार बजाना, पैदल घर जाना. यस. तुम्हें अच्छा लगता है ना? तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ. गुड नाइट. बाय. बाय. एक पेगा. अरे बस 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 डार्लिंग, और मत पिलाओ. रोज अगर इस तरह पीता रहा तो एक दिन लीवर फैलते फैलते फट जाएगा. क्या कहते हो जी, कभी साइंस में पढ़ा नहीं? हा? ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है. टॉनिक है ये. वो कैसे? 18 साल पुरानी सिंगल मॉल्ट. डॉक्टरों का भरोसा नहीं करना. ऐसा क्या? सब बिके. आप पटियाला पैक पियो. क्या बात. अब लाइफ सेट है. हाय अनु. हाय अनु. हाय आंटी. पापा को भेज दो, हम तीन दोस्त मिलके रंग जमाएंगे. सबको बेवड़ा बनाएगी. मैं बता दूंगी. गुड नाइट. गुड नाइट बेटा. गुड नाइट. एक बात बता, ये अनु तुम्हें कैसी लगती है? अब उसे भी बेवड़ी बनाओगी क्या? उसके लिए नहीं पूछा. तो फिर अगर वो हमारे घर की बहू बन जाए? दुनिया के कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी एक अंधे से क्यों करेंगे? बकवास बंद करो. मेरे बेटे में क्या कमी है? हीरा है हीरा. तुम कल शाम को विनय को बुलाओ, वैसे भी कल तक हिताची आ जाएगी. फेसबुक फ्रेंड है. जापान का लोकल ब्रांड है. धन्य है देवी जी आपकी रिसर्च. पर अभी रिश्ते की बात मत करो, सारी पी हुई उतर जाएगी. होश में रहेगा तो उल्टे पैर दौड़ेगा. थोड़ी चढ़ जाए तो मैं पूछूंगी. तुम्हें भी तो ऐसे ही फंसाया था. तो ये आइडियाज तुम्हें शराब पीने के बाद ही आते हैं? ये तो बॉयफ्रेंड ने सिखाया था. क्या? और ये 21 और
22 और ये हुआ 23। बस हो गया, आज का कोटा खत्म। कौन सा कोटा? ड्राई फ्रूट्स का? ड्राई फ्रूट्स नहीं, पुशअप्स। पापा ड्रामा कम और एक्सरसाइज ज्यादा कीजिए। चल ही गया। मुझे बुद्धू बना सकते हो, अपने बेटे को नहीं। ये लो जूस। थैंक यू मॉम। क्या पूछो? पापा, मॉम कुछ इशारे कर रही है। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। तुम्हारी शादी की बात है। यही बात थी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लाइफ सेट है, ये राजी हो गया। सुना है आलिया का ब्रेकअप हो गया है रणबीर से, इसलिए आप दोनों आज ही बात पक्की कर लीजिए। आंख बंद करके शादी कर लूंगा। लव इज ब्लाइंड। हम अन्नू से टांका भिड़ा रहे और इसकी सुई आलिया पर अटकी है। आज कह रहा है आलिया भट्ट चाहिए, कल पूजा भट्ट की डिमांड करेगा। सीनियर भट्ट आके हम दोनों को भुट्टे की तरह सेक देगा। मेरी बोतल नहीं खुलेगी। टेल मी द वाइटल्स। ओके, पीएससी क्लियरेंस के लिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से बात करो। आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर। ओके, या। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में क्या है? डोसा। डोसा। तुमने फिर से कल्याण के बारे में ही लिखा है? हाँ लिखा है, उसकी आत्मकथा भी लिखूंगी। आपको कोई प्रॉब्लम है? अब तुम दोनों बच्चे नहीं रहे जो ऐसी हरकतें करोगी। अपनी लिमिट्स तय करना सीखो। माँ, आई लव कल्याण और मैं उसी से शादी करने वाली हूँ। इज दैट क्लियर? उसकी कमी जानते हुए भी शादी करनी है? माना वो देख नहीं सकता, पर मुझे यकीन है वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। डैड, शादी के लिए उसके पेरेंट्स के साथ आप बात करेंगे या फिर मैं खुद करूं? यू डिसाइड। आपका तो मौन व्रत है जो चुप रहे। अरे आई एम प्राउड ऑफ आवर बच्ची। प्राउड हो किस बात पे? कल्याण को हम तब से जानते हैं जब से वो बच्चा था। ही इज अ नाइस गाय। ब्लाइंड होते हुए भी अपना वजूद बनाया, सक्सेसफुली रेस्टोरेंट चला रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनु कल्याण को पसंद करती है। और क्या चाहिए हमें? ये कोरियन शराब कमाल है। कोरियन नहीं है जी, तो जापानीज। ओके, जापानीज है। अरे नहीं भाभी, कल ऑपरेशन करना है प्लीज। क्या भाई साहब, ऑपरेशन तो रोज होते हैं, शाम खराब मत कीजिए। एक इम्पोर्टेंट बात है। कौन सी बात बताइए? बोलो ना। बात यह है कि हम सोच रहे थे कि इस साल कल्याण की शादी कर दे। वैसे आए दिन उसके इंटरव्यूज अखबार में, मैगजीन्स में छपते रहते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसके लिए रिश्ता ना आया हो। सही कहा ना? चुप रहो जी, एक चढ़ाई ने कि सारा सिस्टम डाउन हो गया, कुछ भी पके जा रहे हैं। सच ये है, हमने बेटे के लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढा। आप दोनों सालों से फ्रेंड्स रहे हैं, ठीक वैसे ही अनु और कल्याण बचपन से फ्रेंड्स हैं। सोचा आपसे पूछ ले, क्यों ना इनकी शादी करवा दे। मैं भी यही कहना चाहता था। हाँ ना, कुछ तो कहिए भाई साहब। यही बात, इतनी देर से मैं सोच रहा था कि आपसे कहूं तो कैसे कहूं। आपने तो मेरा काम कर दिया। अनु अपना डिसीजन सुना चुकी है, वो कह चुकी है कि वो फेरे लेगी तो सिर्फ कल्याण के साथ। शुक्र है। मुझे और मेरी बीवी को इस रिश्ते से बिल्कुल एतराज नहीं है। ऐसे मौके पर एक पटियाला पैक तो बनता ही है। मेरा भी बनाओ। क्यों नहीं, आपके पैसों की ही है। हंस गए भाई साहब। समझी जी, समझी जी। सॉरी, वी आर क्लोज्ड। एक्चुअली वो मुझे खाना नहीं चाहिए, फुटपाथ पर एक बुजुर्ग मिले हैं और उन्हें भूख लगी है, तो मुझे उनके लिए खाना चाहिए था प्लीज। ओह। अब आसपास के रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, मैंने यहाँ लाइट जलती देखी तो सोचा शायद यहाँ मिल जाए। बस एक सेकंड, मैं अभी आया। ओके, आप बैठिए ना।
एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी, आप देख नहीं सकते और मैंने आपको परेशान किया। आई एम ऑल्सो सॉरी। वो किस लिए? आप लड़की हैं, इतनी रात को आपको यहाँ आना पड़ा। मेरा लड़की होना अफसोस की बात कैसे है? तो मेरे ब्लाइंड होने पर अफसोस किस लिए? तो सॉरी के लिए भी सॉरी। दैट्स ओके। एक्सक्यूज मी, अगर आप उस बुजुर्ग को अपने हाथ से खाना देंगे तो उसे और भी अच्छा लगेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, रेस्टोरेंट क्लोज करके आता। ओके। ये लीजिए। इस तरफ लीजिए दादू खाना, ये इन्होंने खुद बनाया है खास आपके लिए। भगवान भला करे। चलता हूँ दादू। खुश रहो बेटा। अब मुझे जाना होगा। ओह थैंक्स अ लॉट। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, आपकी वजह से जो खुशी मिली वो रेस्टोरेंट में नहीं मिलती। किसी को खुशी देने की खुशी ही अलग होती है। आई एम वनिला, मैं पास ही के एक मॉल में सेल्स गर्ल का काम करती हूँ। ओह आई एम कल्याण, और मैं एक शेफ हूँ, कुकिंग कटिंग सर्विंग। कोई बात नहीं। वेट, आपने अभी हाथ बढ़ाया था? नो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी वंस अगेन। वनिला। कल्याण। प्लीज टू मीट यू। क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, ये पूरा एरिया अच्छी तरह जानता हूं, चला जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय कल्याण। बाय। सर सर, आगे रास्ता बंद है। Are you sure? हाँ सर। ओके। सर क्या आप शेफ कल्याण हैं? हाँ वही हूँ। मैगजीन में आपकी फोटो देखी थी सर। एक सेल्फी ले सकता हूँ प्लीज? श्योर। थैंक यू सर। ए आ जाओ सब आ जाओ। ए चलो चलो बुला रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। सर हाँ? एक मिनट, अपना बैग देंगे? क्यों? सेल्फी में तो ऐतराज नहीं किया, बैग देने में ऐतराज क्यों? ये रोड हमने ब्लॉक किया है, बैग दे और चलता बन। इसे कमाने में 20 लोगों का पसीना बहा है, ऐसे कैसे दे दूं? हम 10 लोग हैं, सबका एक भी हाथ पड़ाना तो बिखर जाएगा। हंस क्यों रहा है बे? नहीं बस, तुम 10 नहीं 7 हो। भाई मैं तो निकल रहा हूं यहां से।
सॉरी ब्रो। बारिश को तो दिखता है। चल भागते हैं। आग बहुत जोर से लगी है। बैग उन्हें दे देना चाहिए था। हीरो के लिए दिखाने की क्या जरूरत थी? गुंडे थे वो। अरे तुम्हें पुलिस कंप्लेंट लिखवानी चाहिए थी। उनके पास जाने से कुछ नहीं होता। अच्छा हुआ नासपीटों की धुलाई की। हाँ आपका बेटा तो जैकी चैन है। क्यों? इसकी हाइट कम है क्या? और ये अपनी कमाई क्यों लुटवाए? ये एक बार देगा तो उनकी आदत पड़ जाएगी। और सुन, इसमें तेरी भी गलती है। एग्जैक्टली। उन्हें पीटने के बाद तूने एम्बुलेंस क्यों बुलवाई? उन्हें मारकर शमशान पहुंचाना था। क्या हिंसावादी बात है। बजाए जा रहे हो। ये बच गया है ना, इसलिए आप इतने डायलॉग मार रही हैं। प्लीज इसे और बढ़ावा मत दीजिए। हाय वनेला। आपको कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? योर परफ्यूम रोज, राइट? I'm ready. I'm really sorry. आप किस लिए? कल मैं तुम्हें पे करना भूल गई थी तो आज मैं इसीलिए आई हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो। वो कैसे? Obviously. अच्छे कर्मों के फल अकेली खाना चाहती हो। मुझसे शेयर नहीं करोगी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हम ऐसे फूड पैकेट्स और लोगों में बांट सकते हैं? हाँ जरूर बांट सकते हैं, आखिर ये एक पुण्य का काम ही तो है। दादू ये आपके लिए। तो आज से हम पार्टनर्स। पार्टनर्स? पुण्य कमाने में पार्टनर्स। क्यों तुमने सोचा मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप दे रहा हूँ? ओके डन। डन? थैंक यू। अंकल से बात की लेकिन उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी है। Thanks, Dad. किसी से शादी प्यार के लिए करनी चाहिए, दया के लिए नहीं। अनु को मुझसे सिंपथी है, प्यार नहीं। मॉम तुम्हारी सोशल सर्विस आज खत्म नहीं हुई बेटा। पापा, मेरे पापा हैं मिस्टर तिलक, प्रिंटिंग प्रेस में प्रूफ रीडर हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। एक बात बताओ। हाँ अंकल। इसका पागलपन कहीं तुम पे भी तो नहीं चढ़ गया? ये पागलपन अगर सब पर चढ़ जाए तो कोई भूखा नहीं सोएगा। ये तो होना ही था। ठीक है, मुझे प्रेस जाने में लेट हो रहा है। हाँ। बेटा तुम अपना ख्याल रखना। आर यू ओके? जरा देख कर चलो। थैंक यू। क्यों रे, तेरे घर पे ताला क्यों है? तेरा बाप फोन नहीं उठाता। मैडम का गुस्सा पता है ना? दो दिन में पैसा नहीं लौटाया तो क्या कर लेगा तू? धमकी दे रहा है। तुम रुक जाओ कल्याण, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। इस वक्त ही यहाँ से जाइए आप लोग। कौन है ये लोग? फोन करना। ये कौन थे ये लोग? वो पापा के लिए आए थे। तुम चलो। ओके बाय, गुड नाइट। वेनेला, तुमसे कुछ कुछ कहना था मुझे। हाँ बोलो ना। कैसे कहूँ? आई क्या क्या तुम कल रात रेस्टोरेंट आओगी? हाँ। बाय वेनेला। बाय। गुड
नाइट बॉस. गुड नाइट गाइस. नाइट बॉस. गुड नाइट. एनयू कॉलिंग. एनयू कॉलिंग. एनयू कॉलिंग. Hi Vanilla. Hi. Happy Valentine's Day. Thank you. वो कैसे कहूँ पता ही नहीं, लेकिन जो दिल में है वो कहना भी तो चाहिए. जब तुम पास होती हो अपनी हर कमी भूल जाता. इनफैक्ट तुम्हारे साथ बिताया हर पल makes my life more colorful. Oh. Sorry. मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊं. अब अगर तुम्हें भी ऐसा लगे तो वेनिला, मैंने कुछ गलत कहा क्या? वेनिला, I'm sorry. देखो इस बात को भूल जाओ. वी कैन बी फ्रेंड्स. कल्याण, एक्चुअली मैं यहां तुम्हें गुड बाय कहने आई थी. कल सुबह हम लोग ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं. लेकिन क्यों वेनिला? वेनिला, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? सब बताती हूँ. पापा का हार्ट ऑपरेशन करने के लिए हमने किसी से 20 लाख रुपए लिए थे. पिछले 2 साल से हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाए. हमें नहीं पता था कि वो लोग गुंडे हैं. वो हम लोगों को कई बार धमका चुके हैं और कहते हैं कि हमने अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे किडनैप करके ले जाएंगे. अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन ये है कि मैं अपनी जान ही दे दूं, ये क्या? और दूसरा कि हम ये शहर छोड़कर चले जाएं. मैं तुम्हें किसी भी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें ये बताने आई थी. I'm sorry कल्याण. Bye. तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है वेनिला. तुम्हारा लोन मैं चुकाऊंगा. नो 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 कल्याण, मैं जानती हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ. वो पल मेरे लिए बहुत खास होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकती कल्याण. नहीं, अरे प्लीज वेनिला, हम पार्टनर्स हैं ना, सिर्फ पुण्य कमाने में नहीं अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करनी चाहिए. नो नो, दिस इज रॉन्ग. नो वेनिला, मेरी बात सुनो, इसे एक लोन समझो. जब पैसे आए लौटा देना. ओके? क्या तुम्हारे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? अंकल से कहना घबराए नहीं, हम कल ही लोन चुका देंगे. थैंक यू सो मच कल्याण. गुड नाइट वेनिला. गुड नाइट.
उसके शरीर पे कई फ्रैक्चर्स थे, सर्जरीज करनी पड़ी। ओवरऑल हिज कंडीशन इज वेरी स्टेबल। और हाँ, हमने जब इनिशियल टेस्ट्स किए तो हमने देखा कल्याण के रेटिनाज लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। आई सर्जरी करें तो उसकी आई साइट लौटने की 50-50% चांसेस, ऐसा आई सर्जन ने कहा है। अगर आप एग्री करें तो आई थिंक वी शुड टेक अ चांस। उसकी आंखों की रोशनी आ जाए उससे अच्छा क्या होगा। एग्जैक्टली, प्लीज गो अहेड। भाभी क्यों तुलसी? सेडेटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कल्याण को होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऑप्शन ये है कि मैं अपनी जान ही दे दूं और दूसरा कि हम ये शहर छोड़कर चले जाएं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेलाना। कल्याण हूं ना मैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कल्याण सब ठीक हो जाएगा मेलाना। कल्याण, कैन यू हियर मी? डॉक्टर, चेक द वाइटल्स। रिलैक्स, ये कुछ कहना चाह रहा है। थोड़ी देर बाहर बैठ कीजिए। गिव मी दैट प्लीज। सिस्टर, कम ऑन फास्ट। इट्स ओके कल्याण। रिलैक्स वेनेला, इंजेक्शन मुझे दो। रिलैक्स रिलैक्स वेनेला। आ जाइए कल्याण। मॉम बेटा, अब कैसे? मुझे मुझे हुआ क्या है मॉम? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ा बेटा। क्या एक्सीडेंट? हाँ। मैं कब से हूँ यहाँ? 3 हफ्ते हो गए। तीन हफ्ते? हाँ। मॉम प्लीज अंकल को फोन करके बुला लो। मैं यही हूँ। कोई वेनेला नाम की लड़की आई थी। वेनेला? इस नाम का तो कोई नहीं आया। वेनेला कौन है? मैंने मैंने उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। और मैं अंकल, क्या कोई बुजुर्ग आदमी आया था? नहीं बेटा, कोई नहीं आया था। मॉम मेरा फोन दो। पापा बेटा, मुझे मुझे कॉल करना है। शांत हो जाओ कल्याण। सुनो, आज शाम को तुम्हारी पट्टियां खोलेंगे, डॉक्टर ने कहा है, तब तक तुम आराम करो। कल्याण, मैं पट्टियां निकाल रहा हूँ, स्ट्रेन मत लेना, बस 2 मिनट और। तुम्हें बस थोड़ा सा दर्द होगा, बट इट्स नॉर्मल। ओके, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, स्लोली स्लोली। इट्स ओके, इट्स ओके कल्याण, सब बहुत ब्राइट है डॉक्टर। इट्स नॉर्मल, नथिंग टू वरी। ओके, मेरा हाथ दिख रहा है, कितनी उंगलियां हैं? 4 fingers। गुड गुड गुड। और अब हाँ, सुपर। बेटा, मेरा बेटा। कल्याण, बहुत दर्द हो रहा है पापा। सब कुछ दिख रहा है ना? वो अनु है। अनु, हाय, यू लुक ग्रेट। कल्याण, मैं तुम्हारा अंकल। हाँ, विनय अंकल। पहले कुछ हफ्ते बहुत केयरफुल रहना होगा, तेज रोशनी या बाहर जाने पर डार्क ग्लासेस हमेशा पहन के रखना। श्योर डॉक्टर। समझ गए? संभल के। थैंक यू। आराम से बेटा। हमारा घर। सिरी, कॉल वेनेला। कॉलिंग वेनेला। ये नंबर अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। वेलकम बैक। थैंक्स अंकल। आ जाओ। वेलकम बॉस। बैठ जाओ, आराम करो तुम। ये नंबर। दद्दू कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। मेरे साथ एक लड़की आती थी, याद है? हाँ। क्या वो फिर से आई थी? नहीं बेटा, दोबारा नहीं आई।
पास ही के एक मॉल में सेल्स गर्ल का काम करती हूँ। क्या यहाँ वनेला नाम की कोई लड़की काम करती है? इस नाम से यहाँ कोई नहीं है। पूरी रात तुम कहाँ गायब थे बेटा? क्या भूल गए कि तुम्हारा? मैं रेस्टोरेंट में ही सो गया, बहुत थक गया था। तुमने हमारे फोन का जवाब भी नहीं दिया। पता है हमें कितना टेंशन हो रहा था? तुम्हारी माँ ने रात से कुछ खाया भी नहीं, बस रोए जा रही है। मॉम, मॉम, आप रो क्यों रही हैं? बेटा दुख देगा तो माँ रोएगी ही ना। हमें इग्नोर करने लगे हो, पता नहीं कितने दिन हो गए। तुम पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढ रहे हो। कब खत्म होगी ये तलाश? कितनी और रातें रो रो कर गुजारनी पड़ेंगी बेटा? माँ प्लीज आप रोइए मत, प्लीज मॉम। क्या चाहती है मुझसे आप? यही कि तुम अनु से शादी कर लो। यही चाहती हूँ मैं। तुम देख नहीं सकते थे तब भी वो तुमसे शादी करना चाहती थी। जरा सोचो वो तुमसे किस हद तक प्यार करती है। सच में अपने माँ बाप को जीवन भर खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें अन्नू से शादी करनी होगी। हाँ कह दो बेटा। ठीक है मॉम, आप रोइए मत, उसी से शादी करूंगा। मुझे पूरा विश्वास था तू हाँ ही कहेगा, अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ेगा। मैं तेरे पापा को बता कर आती हूँ। हाँ? पेरेंट्स के प्रेशर से या फिर मेरी फीलिंग्स की वजह से इस शादी के लिए हाँ मत कहो। मैं तुम्हारी चॉइस बनना चाहती थी, मुझे अपनी मजबूरी मत बनाओ। Let's get married, Anu. कल कल्याण के एंगेजमेंट पे मिलेंगे। ओके ठीक है अंकल। ठीक है चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। बाय गाइस। पहुंच जाना सब। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। सॉरी वी आर क्लोज्ड। बेटा तुम्हें दिखाई देने लगा। आप कौन हैं? मैं वेनिला का पिता हूं बेटा। अंकल आप कहां थे? वेनिला कहां है? वो ठीक तो है ना? उस दिन हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया बेटा, मगर तुम आए ही नहीं। लोन देने वाले गैंगस्टर ने हमें धमकी दी थी। क्या? और हम ये शहर छोड़कर भाग गए थे। इतने दिनों तक हम न जाने कहां कहां नहीं भटके। एक दिन उन्होंने हमें तिरुपति में आकर ढूंढ ही लिया, मुझे बेरहमी से मारा और वेनिला को मुझसे छीन कर ले गए बेटा। अब कल तक मैंने अगर उन्हें 25 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरी बेटी को मार डालेंगे उसे। बेटा मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो बेटा, मेरी बेटी को बचा। आप घबराइए मत, वेनिला को कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगा उसे। लेकिन कैसे बचाओगे? मैं पैसे दूंगा उन्हें। उन्हें पैसे देकर वेनिला को छुड़ा लेंगे। कल फिल्म नगर के आंध्रा बैंक के पास आ जाइए, हम कुछ कर लेंगे। शुक्रिया बेटा। इस वक्त कहाँ जा रहा है बेटा? मॉम थोड़ा काम है, कुछ देर में आ जाऊंगा। 12 बजे तक आ जाना। जानता हूँ मॉम, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। ये कहाँ जा रहा है? फिल्म नगर। जल्दी लौट आएगा। अंकल उनसे बात हुई? हाँ, उन्हें फोन किया। ठीक है।
उनसे कहिए हम आ रहे हैं। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया है, अब बताओ कहाँ आना है। अंकल आप घबराइए मत, हम वनीला को छुड़ा लेंगे। सुनो जरा जल्दी चलाना। हाँ पहुंच गए, बस ट्रैफिक में थोड़ा टाइम लग गया था। आइए मेरी बच्ची, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ए बुड्ढे आगे बताना, खड़ा रहे, पैसा लाया है? हाँ, जितने कहे थे। ये कौन है? ये हमारा भगवान है जिसने पैसे दिए हैं। होशियारी दिखाई तो भेजा उड़ा दूंगा। बैठ, रुको, मैं पैसे लेकर आया हूँ, उसे कुछ मत करना। ए, पैसे चेक कर। पूरे भाई, बंदूक देखकर तेरी अकल ठिकाने आई ना? बॉस, पुलिस। भाई, ये पुलिस लेकर आए हैं। पुलिस बुला के होशियारी दिखा रहा है? यकीन मानो हमने नहीं बुलाया। ये कैसा है, हमें बेवकूफ समझता है? देखो यकीन मानो, हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है। आगे नहीं आना। ए, चला। ए, पुलिस को बताया तो इसे खलास कर दूंगा, इसके टुकड़े करके तेरे को पार्सल कर दूंगा। चल। क्या है भाई, पीछे से चलते हैं, आगे पुलिस है। ठीक है, ए, जल्दी निकलो सब। ठीक है भाई। और मैंने लको मुझसे छीन कर ले गए बेटा। कहाँ चले गए थे? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मेरी बात सुनिए, कल वेनेला के पापा मेरे रेस्टोरेंट में आए थे और अपनी माँ को धोखा दिया तूने? ऐसा नहीं है, इसमें कल्याण की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही थी। उस दिन हॉस्पिटल में होश आते ही जब इसने वेनेला का नाम लिया, मुझे समझ जाना चाहिए था। सब मेरी ही गलती है, मैं तुम्हारी मजबूरी हूं, बस चॉइस नहीं हुई, ये तुमने प्रूव कर दिया। थैंक्स, सब खत्म हो गया, इट्स ओवर। सॉरी अंकल। सनसनीखेज विजयवाड़ा केस में अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है।
मॉम, मेरी बात। ए, पुलिस को बताया तो इसे खलास कर दूंगा। कस्टमर ने कहा कि इसमें थोड़ा नमक कम है। अब तू मुझे खाना बनाना सिखाएगा? नहीं बॉस। किसने बोला? उनको बोल निकल जाए यहां से, ना उनकी जरूरत है ना तेरी। गेट आउट। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? रेस्टोरेंट कैसे बंद कर सकते हैं? मैं समझ गया हूं अंकल, अब ये मेरे बस की बात नहीं। अपने साथ आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं करूंगा। एक हफ्ते के अंदर सबकी सैलरी डिपॉजिट हो जाएगी। कल्याण मेरी बात सुनो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, चले जाइए यहां से। वाइजैक के भीमली रोड पर कल रात हुए एक्सीडेंट में फोटो में दिखाए गए ये व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आईडी कार्ड या कोई फोन बरामद ना होने की वजह से इनकी पहचान नहीं हो पाई है। वाइजैक पुलिस स्टेशन के सीआई जनता से गुजारिश करते हैं कि इनके रिश्तेदार इन्हें केजी हॉस्पिटल से आकर ले जाएं। इस महीने हाईवे पर होने वाला ये तीसरा। बस दो मिनट में आता। ओके सर। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पापा, अर्जेंट काम से मुझे वाइजैक जाना। ऐसी भी क्या बात है, बताओ क्या हुआ? मैं बाद में बताऊंगा। अरे रुको, तुलसी, कल्याण, कल्याण रुको। चल। क्यों शोर मचा रहे हो जी? कल्याण अचानक वाइजैक चला गया। वहाँ क्या काम आ गया? जिस आदमी की हैदराबाद में दो हफ्ते पहले मौत हो चुकी है, उसका आज वाइजैक में एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? और वनेला कहाँ है? सर, इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? सीधे जाके राइट लाइन। हाँ बोलिए। इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? पता नहीं साहब। हेलो सर। थैंक्स दादा। सर मुझे इमरजेंसी वार्ड जाना था। आप यहाँ से राइट जाइए। वैसे कल रात को भीमली रोड पर एक्सीडेंट हुआ था ना, उसे जानते हैं क्या? जी हाँ। आइए। ये कल रात 2 बजे गुजर गए। आप पुलिस स्टेशन जाकर लेटर ले आइए और बॉडी ले जाइए। वो मेरी बेटी को मार डालेंगे बेटा।
वेनिला के पिता की मौत हो गई। अब मेरे सिवाय उसका इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे उन गुंडों से उसे हर हाल में बचाना होगा, किसी भी कीमत पर। अब सर, सीआई साहब से मिलना था। साहब थोड़े बिजी है, वेट करो। सर, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, प्लीज मिलने दीजिए। एक बार बोला ना साहब बिजी है, चलो निकलो। मिस्टर प्रसाद। हाँ। मीडिया वाले को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये सर मीडिया से हैं, पहले ही क्यों नहीं बताया? आपने इनको बताया नहीं कि आप मीडिया से हैं? मेरे साथ आइए। सुन भाई, जहाँ कोई नहीं जा सकता ना, वहाँ मीडिया वाले जा सकते हैं। लेफ्ट में सीआई का रूम है, वहाँ जाके उनसे मिल ले। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। हाँ बोलो। वो बीच के पास वाली जमीन सर। हाँ, मेरा कट 5%? नहीं, डीलिंग की गारंटी दे रहा हूँ, 10% चाहिए, रखता हूँ। हार के बीच के ऑपोजिट का प्लॉट है, ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ेगा? वैसे तुम कौन हो? सर मेरा नाम कल्याण है। हाँ तो? वो भीमली बीच रोड के पास, वहाँ तुम्हारा प्लॉट है क्या? वो बात नहीं है, वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। मरने वाले की जमीन थी? कोई जमीन नहीं है, बात तो सुनिए। एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर हुआ है। इसके पीछे खतरनाक गिरोह का हाथ है, मरने वाली की बेटी को किडनैप किया है। देखिए, आप ये केस इन्वेस्टिगेट करके उन्हें पकड़ लीजिए सर। तुझसे एक बात कहूं सर, मुझे इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है। ऐसे टुच्चे केस तो कई सारे आते हैं, मैं उनके लिए नहीं बैठा हूं। कोई काम की बात हो तो बताना। इन्वेस्टिगेट कीजिए सर, सुनिए सर, सच सामने आ जाएगा। कोई विटनेस है क्या? नहीं सर। तो मेरा टाइम मत वेस्ट कर, कोई लैंड डिस्प्यूट हो तो बताना, मैटर सेटल कर दूंगा। सर उस लड़की की जान को, तेरे को अलग से बोलो क्या? सर चाय या कॉफी? अब चाय देना। ठीक है सर। घोड़े को छोड़ दीजिए ना सर। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना मना है, तू अंधा है या अनपढ़? लेकिन ये गाड़ी कहाँ है सर? ओ, एक बात बता, डाकू किस पर बैठकर लूटने जाते थे? घोड़े पे जाते थे सर, लेकिन ये तब की बात है। अच्छा, दूल्हा अपनी शादी में किस पर बैठकर शहीद होने के लिए जाता है? घोड़े पे ही सर। तो फिर हुआ ना ये एक वाहन, चल 200 की पर्ची काट। साहब गरीब के पास इतना पैसा कहाँ है? अबे सीआई साहब के बच्चे से एक राउंड लगाने के 200 रुपए तूने लिए थे या नहीं? सर मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई थी सर। अगली बार होशियारी दिखाएगा तो इस घोड़े और तुझ गधे पे ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ठोक के बंद कर दूंगा, ले जा इसे। हाँ ठीक है सर। ब्लडी फूल। ए चौका, सीआई साहब पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। उसको दूसरा काम क्या है, तू जा। क्या यार, जब तक ये सीआई मरेगा नहीं मेरी माँ कोमा से उठेगी नहीं। एक चाय पिला रहे। ये लीजिए। सीआई प्रभाकर और आपकी माँ के बीच भला क्या कनेक्शन है सर? बहुत बड़ा क्रॉस कनेक्शन है। दरअसल मैं एक इंस्पेक्टर बन जाऊँ ये मेरी माँ का सपना था, लेकिन उस चक्कर में कांस्टेबल बन के रह गया। अब माँ को बता के दुखी नहीं करना चाहता था तो उससे झूठ बोला कि मैं इंस्पेक्टर बन गया, लेकिन सच्चाई ज़्यादा दिन नहीं छुपती। ये सुनकर उसका दिल टूट गया, तो उस दिन से जो उसने खटिया पकड़ी सीधे कोमा में चली गई। अब वो कोमा से तभी उठेगी जब मैं एसआई बन जाऊंगा। माँ के सिटी स्कैन और मेडिकल रिपोर्ट दोनों में यही लिखा है, बस एक केस चाहिए, एक धासु केस सॉल्व और मेरा प्रमोशन पक्का। लेकिन वो खड़ूस इंस्पेक्टर मुझे इस जन्म में तो किसी दमदार केस को छूने तक नहीं देगा। सर 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 सर, मेरी बीवी ने तुझे घर पे बुलाया है। सर मेरा कैरेक्टर ढीला नहीं है सर। इडियट मैडम का टेस्ट खराब नहीं है, नौकरानी छुट्टी पे। यानी कोई केस नहीं है तो फिर मैं क्यों जाऊं? इट इज एन ऑर्डर। ओके सर, इट्स माय ड्यूटी, अभी जाता हूं। ए जी, ये सीआई के अकाउंट में लिख ले। सर यस, मेरा नाम कल्याण है। हां तो मैं हैदराबाद से आया हूं। नाम बताने के लिए हैदराबाद से वाइजाग आया है? हैदराबादी बिरयानी के साइड इफेक्ट्स हैं। चल अब इतनी दूर आ ही गया है तो एक दो कप चाय पी के जा। आपसे एक काम था, जरूरी केस डिस्कस करना है। लिसन डियर, आई एम वेरी बिजी, मुझे साहब के ऑर्डर फॉलो करने हैं। मैडम मेरा वेट कर रही है, मैं जाता हूँ। सर गुड मॉर्निंग मैडम, आपने मुझे बुलाया। नहा के आए हो ना? नाश्ता भी करके आया हूँ मैडम, कुछ काम था। ठीक है, तू जल्दी ऊपर जा। ऊपर इमरजेंसी है मैडम, बड़ी वाली। ओके। ए चौका, अगर कौवे ने एक भी पापड़ पे मुंह मारा ना तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए मैडम को गन चाहिए थी, इन कौवों ने तो मेरे बारूद को नम कर दिया। ए, जा यहाँ से। ठीक है। अरे बच गया। चल भाई, डर गया ना?
पुलिस के सामने अच्छे अच्छों की निकलती तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। कौन सा यहाँ प्रमोशन मिलने वाला है, कौवे उड़ा कर क्या जिंदगी है। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिव जी। ये कौवे चड्डी क्यों नहीं पहनते? ये लीजिए सर जी, इतनी महंगी वर्दी और काम 2% का। छे, आप पुलिस वाले हैं सर? याद दिलाने के लिए थैंक्स। आई एम चोका, चोका राव। आई एम कल्याण सर। कल्याण भव। सर, अगर आप इस केस को अपने दम पे सॉल्व कर लें तो प्रमोशन मिलेगा। और प्रमोशन हुआ तो मेरी बीमार माँ खटिया छोड़ देगी। एक सॉलिड केस का इंतजार है, तुम्हारे पास है? बिल्कुल है। भीमली रोड पर एक बूढ़े का एक्सीडेंट हुआ था। अरे वो बूढ़ा तो मर गया और किसी ने बॉडी क्लेम भी नहीं की उसकी। होगा कोई लावारिस, इसमें केस क्या है? वो एक्सीडेंट नहीं था सर, तो मर्डर था। एक गैंग ने उसे मारा है। अलकायदा? नो, नहीं सर, वो पाकिस्तानी टेररिस्ट होंगे। क्या आदमी है। और वो जो बूढ़ा मरा वो जरूर कोई ना कोई साइंटिस्ट होगा। उसने न्यूक्लियर बॉम्ब का नया फॉर्मूला बनाया होगा और इंग्लैंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड डग उसे किडनैप करना चाहता है और सीरियन प्रेसिडेंट उसे मारना चाहता है। यही बात सर, मेरी बात तो सुनिए, आप ये केस सॉल्व कर सकते हैं और फिर केस सॉल्व होते ही प्रमोशन मिल जाएगा। वो कोई भी टेररिस्ट हो, मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा, फिर तो मेरा प्रमोशन पक्का है। प्रमोशन मिलते माँ खटिया छोड़ देगी। वैसे तुम कौन हो? मैं वो मीडिया, मीडिया, मीडिया वाले हो। ए चका, तू मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है? अबे जाना बुढ़े, अपना काम कर, पागल कहीं का। जल कुकड़ो, तू मीडिया से? यस सर। अगर मैंने केस सॉल्व की तो फ्रंट पेज पे फोटो छपेगी। केस सॉल्व किया तो अखबार ही क्यों, टीवी पर आ जाएगा। यस, ब्यूटी पार्लर भी जाऊंगा। तुम्हें एक बात बताऊं क्या? क्या सर? हो सकता है आलिया भट्ट मेरी न्यूज देख ले। सर तो अब चले। लगता है मेरी कॉमेडी तुम्हें समझ में नहीं आई। खैर छोड़ो, लेट्स स्टार्ट ऑपरेशन आलिया। रेडी सर, कम ऑन। डैड, हाय माँ। सच्ची सच्ची बताओ, मेरी शादी करवाना चाहते हैं या नहीं? कोई अच्छा लड़का ढूंढो ना। फाइंड मी अ नाइस गाय, ओके? रियल नाइस गाय। सारे पन्नों पर मरने वालों के डिटेल्स है लेकिन मारने वाले का जिक्र तक नहीं है, तो बताओ कहां से शुरू करें? मरने वाला इस शहर का नहीं है। तुम्हें कैसे पता? वो यहां का होता तो कोई अब तक बॉडी लेने जरूर आ गया होता। सही बगड़ा। लेकिन कोई आया नहीं है सर। बिल्कुल नहीं। परफेक्ट सर, यानी वो किसी होटल या लॉज में रुका होगा। खाना ढाबे पे खाया होगा। उन जगहों पर ढूंढेंगे तो कोई क्लू जरूर मिलेगा। क्या हुआ सर? मेरे माइंड में भी सेम टू सेम बात आई। हम कितना सेम सोचते हैं। चलो गाड़ी चलाओ। लाइसेंस नहीं है क्या? ड्राइविंग नहीं आती। मतलब आज तक गाड़ी नहीं चलाई? सिर्फ एक बार चलाई थी, बैक सीट पर एक आदमी बैठा था। तो उसका क्या हुआ? भगवान को प्यारा हो गया। लचा पीला, तू बैक सीट पर बैठना, कुछ नहीं आता तुझे, बहुत कुछ सीखना है, चल। ये फोटो वाला आदमी इस लॉज में रुका था क्या? उस टाइम सर पे पट्टी नहीं थी। नहीं साहब। थोड़ा गौर से देखो। नहीं आया था साहब। चलो कहीं और चलते हैं। इसे कभी देखा है? नहीं देखा साहब। नो सर। श्योर हो? एक बार चेहरा देख लूं, 17 साल तक नहीं भूलता। 17 साल? 18 में भूल जाता है क्या? रूम 220 की चाबी देना। 220 की चाबी आपको क्यों दूं? ये कल रात से यहीं पर रुका है, इसका चेहरा तुझे याद नहीं है और 17 साल तक चेहरा याद रखेगा तू? फेंकू चंद कहीं का? Excuse me, ma'am. आपने इसे कभी होटल में देखा है? नहीं सर, नहीं देखा। श्योर है मैडम? जी सर। ये आदमी इस लॉज में रुका था क्या? फोटो ध्यान से देखना। यहाँ तो नहीं ठहरा था सर। चलो सर। ये झूठ बोल रहा है। ये आदमी इस लॉज में रुका था क्या? फोटो ध्यान से देखना।
यहाँ तो नहीं ठहरा था सर। ए गंजे, सच बोल गया, पुलिस स्टेशन की हवा खिलाओ, जल्दी बोल। सर सर बताता हूँ सर, ये आदमी यहाँ पर ठहरा था। क्या उसके साथ कोई और भी था? उसके साथ दो और लड़के थे सर। एक शाम तीनों साथ निकले और पूरी रात नहीं लौटे। दूसरी सुबह सिर्फ दो लड़के लौटे और जल्दबाजी में रूम खाली करके चले गए। उस बूढ़े की मौत की खबर मैंने दूसरे दिन न्यूज में देखी। पुलिस से झूठ बोलने के लिए मुझे मेरे मालिक ने ही कहा था। उनके डिटेल्स रजिस्टर में होंगे ना? मैं यही पूछने वाला था, बता। ये देखिए सर। सर, इसका एक फोटो लीजिए। सिरी कॉल। सॉरी, नंबर बोलिए ना। 799-332-4999 कॉल। हेलो डॉक्टर, आपसे सवाल करना था। एक बात बताइए, माँ तो कोमा से निकलने वाली है नहीं, मुझे कोमा में भेजने का कोई इंजेक्शन है क्या आपके पास? हेलो 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 हेलो, लगता है डॉक्टर ही कोमा में चला गया। फ्री इनकमिंग कॉल्स के पूरे मजे लेते हो। अच्छा, क्या कहा आपने? आउटगोइंग से ज्यादा इनकमिंग कॉल्स होते हैं तुम्हारे। कॉल के रिकॉर्ड्स चाहिए। मेरे? नहीं चुका जी, हमें लॉज से नंबर मिला था ना। जनगणमन। क्या? जनगणमन जगदीश आजाद हिंद फौज में भर्ती होना चाहता था, पर बेचारा 50 साल लेट पैदा हुआ, फिर मोबाइल का काम सीखा, टेक्नोलॉजी पे अपनी पकड़ बनाई और आज हैकिंग का किंग है। बेफिक्र हो जाओ, बीवी कहाँ है, किसके साथ है, उसका लोकेशन घर पे है या मार्केट में है या किसी होटल के रूम में, उसका नंबर ट्रेस करके सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कौन है? जल्दी। अरे चोखा सर, बस दो मिनट। हाँ दोस्त। हाँ जी बहन जी, बोलिए। मारा पति ऑफिस ट्रिप के नाम से घड़ी घड़ी घर से कट ले वैसे। मुझे उन पर डाउट सो लगे हैं। उनकी लोकेशन बता दो भाई। घर में बिग बॉस की फील दोगी तो वो चांदनी बार की फील के लिए कहीं तो जाएगा। लाओ बेचारे का नंबर दो। दीदी हाँ? श्री कन्या लॉज में वो किसी कन्या के साथ ठहरे? हनीमून सुइट में। सही पकड़े हैं, मेरा कोयता चाहिए तो बोलना। जुत्ती काफी से। जाओ दीदी, यलगार हो, किला फतेह हो, और उसे मी टू के चार्ज में अंदर करवा देना। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चौका सर एक मिनट, तुम आओ। नहीं भाई तुम जाओ, अपनी बहनों को साथ लेकर चलो। आ जाइए चौका सर। कैसे हैं? वंदे मातरम। ये चौड़ी छाती वाला शूरवीर कौन है? ये मेरा दोस्त है, क्राइम रिपोर्टर कल्याण। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक हेल्प चाहिए थी। किसके लिए? वतन के लिए। क्या हुआ मेरे वतन को? डोनाल्ड डक और किम कॉन्ग के झगड़े में एक इंडियन साइंटिस्ट की मौत हो गई है, तो पड़ोसी मुल्क उसका फायदा उठाएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मुझे ललकारो मत, ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका सिंघम जगदीश शिखर। हमारे पास वक्त नहीं है, पर मेरे पास डायलॉग बहुत है। चुका जी आराम से, मुझे वो नंबर दीजिए। समझ गया ब्रो। जगदीश भाई, इस नंबर के कॉल डिटेल्स चाहिए। दो मिनट में इसकी जन्म कुंडली निकाल दूंगा मैं। अरे ये क्या, एक ही नंबर से इतने ज्यादा कॉल्स? इस एक नंबर पे तकरीबन रोज बात होती थी। हो ना हो, ये नंबर किसी देशद्रोही का ही है। मामला सीरियस है। हमें वो नंबर मिलेगा? बिल्कुल। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा भारत महान। कल भारत बंद। चौका जी, चौका जी, चौका सर, अब चले। थैंक्स। सिरी कॉल, जल्दी नंबर बोलिए ना। 9100-666-300 कॉल। दिस नंबर इज टेंपरेरली आउट ऑफ सर्विस। माय डियर मां, कब छूटेगा तुम्हारा ये कोमा? अरे साहब की बीवी ने तो जीना। अरे समझ गया। ए तेरी तो मुझे मरने से बचा लिया सर। चुका जी, गाड़ी की डिटेल्स निकालनी होंगी। सिर्फ डिटेल्स ही क्यों, उसे हिट एंड रन केस में अरेस्ट भी करूंगा। चलो। अरे इस गाड़ी की नहीं। तो फिर वो जिसने बुजुर्ग को टक्कर मारी उसकी। वो क्यों? क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला गाड़ी क्रैश हुई और वहां विंडशील्ड के टूटे हुए हिस्से थे। सो ये रहा एक्सीडेंट का लोकेशन। यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूरी पर भीमली चेक पोस्ट है और दूसरी तरफ 8 किलोमीटर दूर गाजुआ का चेक पोस्ट। यह हिट एंड रन का केस है, मतलब वो लोग चेक पोस्ट क्रॉस करने की गलती नहीं करेंगे, यानी 100% वो लोग शहर लौट गए होंगे और पुलिस के डर से नई विंडशील्ड लगवाने वो लोग ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर तो जाएंगे नहीं,
तो हमने जो रेडियस मार्क किया है उसी के अंदर कार रिपेयर करने के लिए वो लोकल गैराज गए होंगे। मैं भी यही सोच रहा था। इस महीने के 7 तारीख तक कोई गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड चेंज करवाने आया था? हमें 5 गाड़ियों में से सिर्फ एक ही गाड़ी का नंबर मिला है। छोटा सा एक्सीडेंट था सर, इंश्योरेंस क्लेम किया है, FIR की कॉपी भी है, आपको नंबर बताऊं? जरूरत नहीं है, बाद में बताता हूं। बाकी ओनर्स के एड्रेस निकालते हैं, जरूर उन्हीं में से कोई एक होगा। चोका सर इतना खुश क्यों हो रहा है? कुत्ते सी तेज नाक है मेरी, सूंघ कर पता का पता लगा लूंगा। मैं आ रहा हूं मुजरिम। चोका जी वो आ गया। थोबड़े से तो छोटे डॉन का भाई लगता है, जरूर ये कोई टेररिस्ट होगा। हाँ जी बोलिए। बोलना तो है लेकिन तुझे क्या सुनना है? अपने गैंग के डिटेल्स बता। टेरेस पर कितने शूटर्स बिठा के रखे हैं? डोनाल्ड से बात करते हो? सर। किम कॉन्ग को ट्वीट करते हो? कम ऑन स्पीक अप। दिन में चढ़ा के आए हो? अच्छा, कार से साइंटिस्ट को टक्कर मार के भाग गया। सर। कार में नई विंडशील्ड लगवाई है, लगता हूँ उतना बेवकूफ हूँ नहीं। साइंटिस्ट को मैंने टक्कर मारा? मैं साइंटिस्ट नहीं तो क्या? चुका 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 सर, चुका सर, करेक्ट, कूल डाउन। ओके, आपके कार की विंडशील्ड टूटी कैसे? सांप सूंघ गया। नारियल के झाड़ के नीचे कार पार्क थी, नारियल गिरा, कांच टूट गया। वो देख सामने नारियल लगा हुआ है। नारियल गिरा? पागल समझता है क्या? नारियल भी कभी गिरता? फिर मिलेंगे सर। भगवान ना करे। कुछ बदमाशों ने आकर बॉटल फेंक कर मारी, उससे कांच टूट गया। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी की। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैंने तो FIR भी दर्ज कराई है। फ्रेम करवा लो, यही आखिरी पता है। चोका जी सेम नंबर है? Yes, कौन है वहां? वर्दी देख के भी पता नहीं चलता कि मैं सीनियर ऑफिसर हूं। मेरी मां की तरह कोमा में है क्या? ये देख नहीं सकता चोका जी। सॉरी, टेक माय सहानुभूति। अब क्या करें? आई एम सॉरी, आपकी तारीफ। मेरा नाम चोका राव है, मैं सीनियर कांस्टेबल हूं। हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम अंदर आ सकते हैं क्या? श्योर, आइए। हाँ, थोड़ा देख के, पीछे सोफा है। तुम क्या मिट्टी के पुतले बनाते हो? मेरे गणपति का ऑर्डर लोगे क्या? इसे क्ले आर्ट कहते हैं सर। तो आर्ट और क्राफ्ट के टीचर हो। आपने अपनी कार की विंडशील्ड अभी चेंज करवाई? हाँ, कराई थी। क्या हुआ था? शीशा कैसे टूटा? मेरे ड्राइवर को पीने की लत है, कई दफा समझाया लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। अभी पिछले ही हफ्ते वो दारू पीकर गाड़ी चला रहा था और कार एक पोल से टकरा गई और विंडशील्ड टूट गई। आप ड्राइवर को बुलाएंगे? अपने ड्राइवर को बुला के लाओ। उस एक्सीडेंट के बाद उसे जॉब से निकाल दिया। वैसे आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक बड़े अटैक को रोकना है। अरे चोका। ओके, हम एक हिट एंड रन केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसी की इंक्वायरी है। ओह ठीक। कुछ छुपा रहे हो हमसे? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। चलो। वो ड्राइवर का नंबर देंगे? वो उसे काम से निकालने के बाद नंबर डिलीट कर दिया। अच्छा किया, कम से कम फोन तो नहीं बदला। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। टाइम वेस्ट हो गया, सारे सुराग सुहा हो गए, केस खत्म, दुकान बंद। साहब के साहबजादे को घोड़े की सवारी करवानी है, छत पर मैडम के कपड़े भी सुखाने हैं, जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा। जिंदगी तो ये कहाँ गया? मेरे इमोशंस की कुछ पड़ी ही नहीं है क्या? ड्राइवर सिम्हा का एड्रेस और फोन नंबर। अब ये सिम्हा कौन है? वामसी का ड्राइवर। हा?
सर मैं ही ड्राइवर सिम्हा हूँ। चल पुलिस स्टेशन। क्यों साहब? पिछले हफ्ते दारू पी के भीमली रोड पर एक बुड्ढे को ठोक दिया था, याद है? तूने क्या सोचा कार रिपेयर करके पुलिस को चकमा दे देगा? वामसी ने तेरी सारी पोल खोल दी है। चल साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो 2 महीने पहले ही वामसी सेठ का काम छोड़ दिया और मैं दारू पीता तक नहीं। तो फिर वो एक्सीडेंट किसने किया? साफ साफ बोल। साहब वामसी सेठ के साथ एक मैडम थी जिनको मैंने कई बार देखा है, शायद वो चला रही होंगी। कौन है वो मैडम, उसे जानता है? नहीं जानता साहब। काली ही होगी। तेरे पास वामसी का नंबर है साहब? जरा देना 9849012396। इसमें भी एक ही नंबर है। वामसी के नंबर से इस एक नंबर पर कई बार इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स हुए हैं। जरा मुझे वो नंबर बताना। 9100 9100 666300 666300 666300 कॉल। चुका सर। बोलो। ये तो वही नंबर है जो मरने वाले बूढ़े के कॉल लॉक से मिला था। तो क्या मतलब वंशी उस बूढ़े और इस नंबर के बीच जरूर कोई गहरा कनेक्शन है। बेटा अनु। जी आंटी। तुम काम से वाइजैक गई हो, तुम्हारी माँ ने बताया? हाँ आंटी, मैंने TV5 ज्वाइन कर लिया। कहिए ना। कल्याण 1 हफ्ते से वाइजैक में है और मेरा फोन तक नहीं उठा रहा वो। मैं उसे कब का भुला चुकी हूँ आंटी, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। कौन है? सेठ मैं हूँ, आपका ड्राइवर सेमा। अच्छा सेमा तुम हो, बोलो। सेठ आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं तो क्यों? पुलिस मेरे घर पूछताछ करने आई थी और इल्जाम लगा रही थी कि दारू पीकर मैंने ही वो एक्सीडेंट किया है। और तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा एक्सीडेंट शायद आपकी मैडम से हुआ होगा। हे पागल हो गया क्या, तुमने ये बात क्यों बताई? क्योंकि तुमने ये बात हमसे छुपाई। कौन? अरे चेहरा पैच, हम वही पुलिस वाले हैं जो कल आए थे। आप लोग फिर से क्यों आए? तुमने ड्राइवर के बारे में झूठ क्यों बोला? तुम जुर्म करके छुपाने की फिराक में हो क्या? पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हो? क्या कह रहे हैं सर, एक अंधा ड्राइव कर सकता है क्या? गर्लफ्रेंड तो कर सकती है। वंशी, ए वंशी, मेरी बात सुनो। ए वंशी, अबे तू CID देखता नहीं है क्या? बंद दरवाजा तोड़ना, पुलिस को आता। चुका सर प्लीज, वंशी हमें बात करनी है, दरवाजा खोलो। क्यों बे, भागने की कोशिश कर रहा है? जरा रुको। लगा के कहां जा रहा है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? हेलो, तू भूल गया क्या, मैं भी तो पुलिस वाला हूँ। आपसे कोई बात नहीं करनी मुझे, जो बात करनी है सीधे CI प्रभाकर से करूंगा। अरे मर गया भाई, अगर उस कनखजूरे को पता चल गया ना तो मुझे सस्पेंड कर देगा। मैं इसके साथ जाता हूँ, तू गाड़ी लेके। अरे लेकिन मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती। तो लद जा मुझ पे, विक्रम वेताल खेलेंगे। अरे लग गई, बाइक पकड़नी तो आती है ना, अरे उसको रोकना होगा। अरे प्रभाकर सर है क्या? ये उनका ही कैबिन है ना? तुम कौन? मुझे CI प्रभाकर से मिलना था, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मैं ही प्रभाकर हूँ, बोलो। आप नहीं सर, मुझे सर्कल इंस्पेक्टर प्रभाकर से बात करनी है, बुला दीजिए ना। कहा ना मैं ही CI प्रभाकर हूँ। ये CI प्रभाकर की आवाज नहीं है, उनसे मैं बात कर चुका हूँ, प्लीज आप जाकर उन्हें बुला दीजिए। आंख के साथ दिमाग भी नहीं है क्या? मेरे कैबिन में मेरे सामने मुझसे बदतमीजी कर रहा है। ए चौका। हाँ सर। इसको दफा कर। मैंने गलत क्या कह दिया? लेके जा। भाई बाहर चल। ये कह रहा है कि मैं CI नहीं हूँ। हो ना सर। सॉरी सर, तू बाहर चल। तुझे सर मैं CI प्रभाकर को जानता हूं। CI लिखा है। चल सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए सर। अरे बोला ना, अंदर जो सर बैठे थे वो CI प्रभाकर सर ही थे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। व्हाट्स रॉन्ग? आखिर बात क्या है? वो CI प्रभाकर नहीं है। वंशी, मैं जानता हूं तुम मुसीबत में फंस गया। तुम्हारी कार कोई और चला रहा था और उससे एक एक्सीडेंट हो गया है। दोस्त की मदद करना गलत नहीं होता, लेकिन किसी की जान गई है। घबराओ मत वंशी, देखो ये कोई ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो वी वोंट बी एबल टू हेल्प यू। उसका नाम ज्योत्सना है, शिकागो से आई थी वो। 2 महीने पहले एक आर्ट एग्जीबिशन में हम पहली बार मिले थे। वो मेरे क्ले आर्ट की फैन बन गई। US में क्ले आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का एक प्रपोजल रखा उसने। फिर हमारी दोस्ती बढ़ती गई जो प्यार में बदल गई। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ हम US जाकर शादी करने का प्लान भी बना रहे थे।
उसके यूएस जाने के एक दिन पहले हम रात को एक लॉन्ग ड्राइव पर गए। अचानक ज्योत्सना के हाथों एक एक्सीडेंट हो गया। ज्योत्सना, ज्योत्सना क्या हुआ? वो आवाज क्या थी? ज्योत्सना, वो आदमी ऑन द स्पॉट मर गया। अगर पुलिस को पता चल जाता तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारा क्या है? खुद को कमरे में बंद करके वो पूरी रात रोती रही। ज्योत्सना, ओपन द डोर। इस वक्त कौन होगा? थ्री टाउन पुलिस स्टेशन का सीआई प्रभाकर। प्लीज मेरी बात समझिए। मैंने सीआई प्रभाकर को रिश्वत दी, लेकिन उस रात जो आदमी मुझसे पैसे लेकर गया वो सीआई प्रभाकर नहीं था। ज्योत्सना अमेरिका लौट गई। हमारे फ्यूचर के बारे में कितना कुछ सोचा था, उसे एक रात ने मेरी लाइफ खत्म कर दी। फिर कभी ज्योत्सना से बात हुई? उसे कई बार कॉल किया पर उसका नंबर नॉट इन सर्विस आ रहा है। नॉट इन सर्विस? बेचारी आज तक सदमे में जी रही होगी। वंशी के नंबर से इस एक नंबर पर कई बार इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स हुए हैं। 9100-666-3000 कॉल। टेंपरेरली आउट ऑफ सर्विस। मतलब वंशी उस बूढ़े और इस नंबर के बीच जरूर कोई गहरा कनेक्शन है। तेरा बाप फोन नहीं उठाता, मैडम का गुस्सा पता है ना? अच्छा वंशी, 9100-666-3000 ये नंबर ज्योत्सना का है। उसी का है। क्या उसकी कोई फोटोग्राफ्स है या फिर कोई वीडियो है? हाँ है। जैकपॉट लग गया, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने कहा था ना कर दूंगा। लेकिन उसके फोन में है। ये एक और मुसीबत है। मम्सी, तुम दोनों कभी बाहर गए थे, मतलब किसी रेस्टोरेंट या थिएटर में? शी लव्स नेचर, इसलिए लॉन्ग ड्राइव्स पर जाया करते थे। ओहो, तो ये सोच के जंगल में गए थे कि जंगल में मोर नाचेगा तो कौन देखेगा? चौका। हाँ पता है, फैमिली पिक्चर है। प्लीज याद करने की कोशिश करो मम्सी। अरे हाँ, मेरे बर्थडे पर हम दोनों रेस्टोरेंट गए थे लंच के लिए। कौन सा रेस्टोरेंट था? डेट क्या थी? April 14th। टाइम? लंच टाइम, मतलब 12 से 2 बजे के बीच होगा। ओके। कैंप टू प्ले करो। ओके। कैंप टू। आई थिंक दैट्स वम्सी। पक्का? यस, वम्सी है। ज़ूम इन। ज़ूम करो सर। कैंप टू। ज़ूम इन। फॉरवर्ड। ओके। देख। गर्दन अकड़ी थी क्या? घुमाई नहीं रही है। शायद दूसरा कैम चेक करो। कम ऑन, डैम इट। चेहरा दिखाई नहीं। ये वेटर को मार क्यों रहे हैं? उनके जाने के थोड़ी देर बाद का फुटेज है। क्या प्रॉब्लम थी? छोटा सा झगड़ा था सर, जाने दीजिए। मैंने प्रॉब्लम पूछी है ना? अरे आप इसमें मत पड़िए सर। बोलता या तुझे भी पिटना है? सीधे सीधे बता, जल्दी बोल। सर, हमारे पास सतीश नाम का एक वेटर काम करता था और वो रेस्टोरेंट में आने वाली लड़कियों की छुपके से तस्वीरें खींचता था। उस दिन एक कस्टमर ने उसे तस्वीरें खींचते हुए देख लिया और उसे पीट दिया। हमने उसे तभी नौकरी से निकाल दिया। सतीश का एड्रेस या फोन नंबर है ना सर? दो मुझे। दीदी, रूम नंबर 7 का आ गई है। हाँ, ये अंकल, सतीश यहीं रहता है ना? हाँ यही रहता है। तो ये ताला क्यों लगा है? ओ, दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ भटकता रहता है। फोन देना, यही है ना? हाँ यही है। अभी कहाँ आवारा गर्दी कर रहा होगा? मुझे क्या मालूम, आवारा है, भटक रहा होगा। चाय की तलब हो रही है, पिए? ए बोल डाल। थक गए। अरे दो चाय बनाना। कैच सर, बॉल प्लीज। ए, अब क्या चलने के लिए भी हेलमेट पहनना पड़ेगा? सॉरी सर, प्लीज। पुलिस स्टेशन में आके सॉरी बोल। बॉल चाहिए। ए सतीश, पुलिस वाले तुझे ढूंढते हुए आए थे। यही लोग थे? सतीश, अबे वाले, गाड़ी के नीचे मरेगा क्या? हमसे भाग क्यों रहा था कल्या? देख, हमें थोड़ी। सतीश, सतीश रुक, सतीश।
यार, रिक्शा की हाइट जरा कम कर, कूदने को नहीं आ रहा है। रुक जा सतीश। भाई शिरू भाई, भाई शिरू भाई, सतीश क्या रे, चर्बी आई तेरे को? आपसे कोई झगड़ा नहीं है, मुझे बस उसका फोन चाहिए। सतीश फोन दे मुझे। क्या ले ले, ए अपना फोन दे रे। फोन चाहिए ना, आगे ले ले। कल्याण मत जाओ प्लीज, ये सारे साउथ के गुंडे लगते हैं, पिट जाओगे। अबे इसे मार क्यों रहे हो, लेने दो। चौका से पंगा मत लेना कभी, वर्दी के नीचे मसल नहीं दिखते हैं। शर्ट उतार के दिखाऊं क्या? चलो भागो यहाँ से, आगे से मेरे एरिया में दिखाई दिए तो पापलेट के साथ फ्राई करके खा जाऊंगा। अबे पासवर्ड तो बता के जा। पापा। तेरे बाप की। अच्छा पासवर्ड पापा है, पापा दबाया, अम्मा का फोन आ गया। अप्रैल 14 के फोटोज देखो, कहां कहां के फोटोज लेता है ये तो वमसी है ना, सब हिली हुई है। जोचना कैसे कैसे से लड़कियां पड़ जाती है। हेलो अनु, हेलो 124 चेक। ओए अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये अनु कौन है? वाइजैक आने की वजह ये थी, कॉन्ग्रेट्स, आखिर गर्लफ्रेंड ढूंढ निकाली। गर्लफ्रेंड? ये क्या कह रही हो तुम? वेनेला, लव ऑफ योर लाइफ। ये वेनेला नहीं है, ये जोचना है। हाँ वामसी की गर्लफ्रेंड। हाँ अब झूठ बोलना भी सीख गए। क्या? ये ही वेनेला है। इसका नाम जोचना है, मैं कह रहा हूँ ना अनु, ये ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड वेनेला है। यहाँ आइसक्रीम की बात कर रही है कि लड़की की, तुम्हें कैसे पता? वैलेंटाइन के दिन तुमने मेरा कॉल काटा तो मैं तुमसे मिलने रेस्टोरेंट पहुंची, वहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड वेनेला को देखा। सस्पेंस है? अरे बताओ ना ये चल क्या रहा है? टेररिस्ट से बोल के आइसक्रीम तक, प्रमोशन के नाम पर इमोशन से खिलवाड़ किया, इसे रिपोर्टर समझ के अपनी मां को कोमा से निकालने के लिए निस्वार्थ इसकी मदद करता रहा। कैरेक्टर आर्टिस्ट हूं पर इज्जत अपनी भी है। अब मेरे अंधे होने तक गुड बाय। एक मिनट प्लीज। आपकी हेल्प कर सकती हूँ? हाँ तुम भी बैंड बजा लो। चलो बोलो। मैं TV5 में क्रिएटिव हेड हूँ। और मैं झारखंड का प्राइम मिनिस्टर हूँ। नाइस टू मीट यू। सर प्लीज। एक ही झूठ से दो बार बेवकूफ नहीं बनूंगा। इसके पास आईडी भी है और आधार से लिंक है। इस केस में हेल्प कर दीजिए।
हम सबकी जिंदगी डिस्टर्ब हो चुकी है। केस सॉल्व हो गया तो मैं प्राइम टाइम पे आपका इंटरव्यू दिखाऊंगी। इट्स माय प्रॉमिस, मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। इंटरव्यू? भरोसा कर सकता हूँ ना? धोखा दिया तो भी क्या उखाड़ूंगा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अच्छा बताइए क्या करना है। मामसी प्लीज थोड़ा पानी पी लो। तो वेनिला बनके कल्याण से और ज्योत्सना बनके तुमसे मिलने वाली एक ही लड़की है। वंशी, रो मत। उसने सिर्फ हम दोनों को ही नहीं, कई और लोगों को भी फंसाया होगा। बहुत शातिर खिलाड़ी है। कोलकात्यायनी, जरूर इस वक्त किसी नए शिकार की तलाश में होगी। मम्सी, उसने हम दोनों को ही क्यों फंसाया? एक तो हमारा अंधापन और दूसरा हमारा सोशल स्टेटस अच्छा है, पर कोई और कॉमन फैक्टर जरूर होगा। क्या हुआ? एक मूर्ति गिर गई। ये क्ले आर्ट गिर गया। संभल के। या, मम्सी, I'm so sorry man. It's okay. National Entrepreneurs Awards for Specially Abled. Anu? National Entrepreneurs Award for Specially Abled. Last year ये award तुम्हें मिला था ना? हाँ। ये Indian government द्वारा दिया जाने वाला national award है। 2014 से ये प्रतिभाशाली दिव्यांग लोगों को दिया जाने लगा। अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड पाने वालों की पूरी लिस्ट है इसमें। इसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं? हाँ, है। अच्छा, और इनमें से कितने लोग ब्लाइंड हैं? ये रही लिस्ट। वंशी और मेरे अलावा इस लिस्ट में 11 और लोग हैं। अगर हम उसी की तरह सोच रहे हैं तो उसका अगला टारगेट 100% इनमें से कोई एक होगा। इन 11 लोगों को डायरेक्टली कॉल करके हम लड़की को पकड़ लें? नहीं, अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। उसे पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये सब लोग तो अलग अलग शहरों में होंगे, अगर उनको ढूंढने जाएंगे तो हमारे बाल सफेद हो जाएंगे। इस लिस्ट को लेकर पुलिस के पास या किसी हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। उनसे हम कहेंगे क्या? उसने हमें धोखा दिया है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, ना उसका नाम है ना पता। यानी प्रमोशन भूल जाओ। मेरे पास एक आइडिया है, हर शहर में मेरे रिपोर्टर्स हैं, हम उन्हें ये डिटेल्स भेजेंगे, वो उनके इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, वो भी बिना किसी को शक हुए। Are you sure? 100%. ठीक है, let's do it.
देखो। महा गणपतिं मनसा स्मरामि महा गणपतिं मनसा स्मरामि महा गणपतिं। उसका नाम सोम शेखर है, विजयवाड़ा का क्लासिकल सिंगर। बैनेला ने कात्यायनी के नाम से उसकी टीम ज्वाइन की है। मेरी स्टाफ ने उसके नए फोन नंबर का भी पता लगा लिया है। माँ तो कोमा में है, लेकिन इसके चैप्टर को आज ही फुल स्टॉप लगाऊंगा। विजयवाड़ा ये तो है, आई विल मैनेज। थैंक यू चुका सर, अब कोई और धोखा नहीं खाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम उसका खेल खत्म करके रहेंगे। लेट्स गो। सिंगर का नंबर और 300 वाला नंबर एक ही जगह पर है। थैंक यू जगदीश। वंदे मातरम। तुम यही रुको, मैं उसे बालों से पकड़ के लाता हूँ। जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं, हमें इस बात का एविडेंस चाहिए कि वो धोखेबाज है। तो यहाँ बैठे रहने से एविडेंस खुद चल के आने वाला है क्या? अनु अनु स्टे ऑनलाइन। ओके। वो मेरे सामने है। ओके। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अभी एक्शन नहीं लिया तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। एज ए डॉक्टर बताना मेरा फर्ज था। मैंने कात्यायनी से बहुत पहले कहा था कि आपको सब कुछ बता दे, पर इसने मुझे रोक दिया। लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, इसके भाई की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इमीडिएटली किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना उसके जीने की चांसेस बहुत कम है। फांदेबाज। ये क्या है कात्यायनी? सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, है ना? तुम्हारी प्रॉब्लम्स अब मेरी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। तू जानता नहीं यही प्रॉब्लम है। एक बात कहूं शेखर, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में मधुर संगीत खोल दूंगी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। संगीत नहीं तो क्या, जहर तो खोली दिया। अच्छी पुअर एक्टिंग, ये बॉलीवुड के लिए नहीं भोजपुरी के लिए एकदम सही है। मैं तुमसे इतने सारे पैसे कैसे ले सकती हूं? अरे नहीं कात्यायनी, तुम पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करो, मेरे लिए पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे भाई की जिंदगी। डॉक्टर मैं 25 लाख का इंतजाम कर लूंगा, आप अब जरा भी देर मत कीजिए, आप कल ही ऑपरेशन करने की तैयारी कीजिए। अरे भाई टेक्निक सेम टू सेम है, बस बकरा अलग है। ओके विल मीट टुमारो। थैंक यू डॉक्टर। शेखर तुमसे इस तरह यूं इतने सारे पैसे लेना ठीक नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए तो ठग के ले रही हूँ। कात्यायनी प्लीज, मेरे पैसे ही नहीं, मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ ना। अंधा मजनू मत रो प्लीज, तुम मेरा प्यार ही नहीं हो शेखर, मेरे भगवान हो। और तू खून चूसने वाली चुड़ैल। चले ओके शेखर, संभल। कैसी लगी वैनेला की परफॉर्मेंस? वो बाहर आ रहे हैं। या चुड़ैल इतनी खूबसूरत हो तो मैं तो हर रात पीपल की छांव में जाऊं, तुम्हारा बेवकूफ बनना तो लाजमी था। मजनू वो जा रही है, गाड़ी स्टार्ट करो। अनु जल्दी बैठो, चलो। ऑफिस चला चला। अरे
अबे आंख के अंधे, गाड़ी आ गई रे, तो ऊपर से जाना। चलो चलते हैं। आप ओके, आप आराम कीजिए। तुम किसी भी चीज की फिक्र मत करना, कुछ चाहिए तो फोन करना। ओके ओके, थैंक यू। हेलो हेलो हनी, 10 मिनट में गेस्ट हाउस पहुंच रही हूँ, समझा? फोन रखा। जगदीश को फोन लगा। हाँ, करता हूँ। अरे आप ध्यान दीजिए। हेलो हेलो जगदीश, चौका सर, वंदे मातरम। वो देशद्रोही हाथ आया क्या? अरे उन्हें छोड़ो, 2 नंबर का पता लगा। हेलो हेलो हेलो, जब देश को मेरा साथ चाहिए था, मेरा अपना फोन मेरा हाथ छोड़ गया। The number you are calling is currently switched off. एक दूंगी ना। तेरी माँ मर रही थी, जो इतने फोन कर रहा था, अगर उसे डाउट हो जाता तो। वो कल्याण तुम्हें ढूंढते यहाँ तक आ गया। कौन कल्याण? अरे वही हैदराबाद का शेफ, तुम्हें होटल से फॉलो कर रहा था, मैंने उसे डाइवर्ट कर दिया। मुझे लगता है वो कुछ तो प्लान बनाकर यहाँ आया है। यहाँ से जल्दी भागना होगा। ए, पैक करो जल्दी। तुम लोगों की वजह से हुआ है, वो यहाँ तुम ही दोनों की वजह से आया है। ये सच में तिरुपति का ही है ना? हाँ, ये वही का है। तुम लोगों को हो क्या गया है? अचानक भक्ति? दरअसल कई दिनों से गांव जाना चाहते थे। हाँ, इसलिए अब तक तो हम सब वंशी के पीछे लगे हुए थे। क्या मांगा भगवान से? हाँ, यही कि वो हमेशा तुम्हें सलामत रखे। अच्छा, और तेरे लिए कुछ नहीं मांगा तूने? नहीं, इतना ही मेरे लिए बहुत है। अच्छा, पीछे सीट पर मेरा हैंडबैग रखा है, देना जरा। अंदर एक पेंसिल रखी है, निकाल दो। क्या रे, आजकल भगवान प्रसाद में गोल्ड चेन देने लगे हैं क्या? ओ हाँ, ये चेन गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की थी। आ, गर्लफ्रेंड? हाँ। सच बोल, बताता है कि नहीं? चल बोल। सब बताता हूँ। क्या घटिया जिंदगी है, सिर्फ 10,000 रुपए मांगे थे, उसने वो देने से भी मना कर दिया। कमाई का 90% खुद रख लेती है और हमें 10% में लिपटा देती है, जैसे भीख दे रही हो हमें। हम कर भी क्या सकते हैं, प्लान उसका और रिस्क भी। और हमारा क्या, हम रिस्क नहीं उठाते क्या? हम भी तो जेल जा सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हमारा भी अमीर बनने का वक्त आ गया है। तो बोलो क्या करना होगा। हैदराबाद वाले अंधे की आंखें ठीक हो चुकी हैं। क्या? हाँ, पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहे उसे। उस वक्त तो हम उसे लूट नहीं पाए थे, लेकिन अब मौका है। हनी को पता चला तो? सवाल ही नहीं उठता। एक बहुत बढ़िया प्लान है मेरे पास। बेटा, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो बेटा। आगे नहीं आना। तुम लोग सारा पैसा दारू में उड़ा देते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को पैसे नहीं देती। और तुम लोगों ने मुझे ही चीट किया। हाँ, गलती हो गई है। नहीं, उस बुड्ढे ने हमको बहका दिया। उसे अब जीने का कोई हक नहीं, कुत्ते की मौत मरेगा अब वो। दिस इज द स्पॉट, ये पेड़ हमारा लैंडमार्क है। मैं वामसी को कार में लेकर आऊंगी और जैसे ही पास आऊंगी एक मिस्ड कॉल दूंगी। सड़क पर एक पुतले के साथ रेडी रहना, मैं पुतले को टक्कर मारूंगी और ऐसे डरूंगी जैसे मैंने एक इंसान को मारा हो। तुम बस पुतले को हटाना और खुद वहां पर लेट जाना, इससे वामसी डर जाएगा।
हम कार से उतरे उससे पहले सब लोग गायब हो जाना, बाकी का सारा ड्रामा मैं संभाल लूंगी। क्या सॉलिड प्लान बनाया है। जोत्ना, जोत्ना, क्या हुआ बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या, बोलती क्यों नहीं कुछ। जोत्ना, जोत्ना, talk to me। वामसी, वामसी। क्या हुआ? मैंने किसी को टक्कर मार दी। क्या कह रही हो? He's dead। Are you sure? He's dead, वामसी। He's dead। अब हम क्या करेंगे वामसी? जोत्ना तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? पहले यहाँ से निकलते हैं। तुम रो मत, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। चल चल, इसे उठा यहाँ से। चेन और पर्स निकाल, जल्दी करो। निकलते हैं। और इसका क्या करें? अरे पकड़े गए तो मारे जाएंगे। चल। जोत्ना रो मत प्लीज, मैं संभाल लूंगा। एवरीथिंग इज गोना बी ओके। मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। जोत्ना कुछ नहीं होगा, आई कैन हैंडल दिस। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। जोत्ना, 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 ओपन द डोर। पुलिस सब कुछ पता लगा लेगी वामसी, और फिर मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। प्लीज डोंट वरी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज सेव मी, कुछ करो वामसी प्लीज। कौन है वहाँ? थ्री टाउन पुलिस स्टेशन का CI प्रभाकर। पर आप इस वक्त यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? सुनसान जगह पर एक बूढ़े आदमी को मार डाला, उस लड़की को बाहर आने को बोलो। सर सर, उसने ये एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया, उसकी लाइफ और करियर सब खत्म हो जाएगा। प्लीज मेरी बात समझिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ सर। मुझे 30 लाख चाहिए। 30 लाख? उसकी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, क्या समझे? ओके सर। ये लीजिए सर। थैंक्स वामसी, तुम्हारी आर्ट एग्जीबिशन और हमारी वेडिंग दोनों अगले महीने शिकागो में होंगे। मैं अपने पेरेंट्स से बात करके जल्दी फोन करती हूँ तुम्हें। यू टेक केयर, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। अगर इसके पास सबूत होता तो ये पुलिस के साथ आता, इस तरह फॉलो नहीं करता। हमें इससे डर कर भागने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमें शेखर से कैश नहीं मिल जाता तब तक कल्याण को शेखर से दूर रखना होगा। आई बात भेजे मैं। किसका कॉल है? छुट्टी मनाने होनोलुलु गया था क्या? सर मैं तो कभी कुल्लू तक नहीं गया। तो फोन क्यों नहीं किया? फोन कमोड में गिर गया था, उसे नहलाया धुलाया फिर छत पे सुखाया फिर आपको कॉल लगाया। जगदीश, जगदीश, इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तुम हिम्मत रखो बस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर वो ठीक आपके पास वाली बिल्डिंग में है। थैंक यू। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। मर्द को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। एक्सक्यूज मी, सब औरतें एक जैसी नहीं होती। एनीवे, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सुबह होने का इंतजार करना है। चलो। अनु, अनु, वो आ गई। चौका सर, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कीजिए। ड्राइवर चलो। लगता है पूरा बैंक खाली कर दिया। We'll be right back.
ये क्या, उसने हमें देख लिया, अब क्या करेंगे? वो जानती है हम उसका पीछा कर रहे हैं, तो पीछा करो। हाँ करता हूँ। बेटा साहब, मेरे बेटे को अस्पताल ले चलो साहब। अरे नहीं, ये मर जाएगा साहब, जल्दी करो साहब, जल्दी। आप ड्राइव कीजिए। हॉस्पिटल का रास्ता बताएंगे प्लीज। आप चलिए, मैं बताता हूँ मैडम। चौका सर, आप जगदीश को फोन कीजिए, उससे कहिए नंबर ट्रैक। ओके मैडम, बहुत खून बह चुका है, जरा जल्दी चलाइए। वंदे मातरम। चौका सर, वो किस तरफ जा रहे हैं? सर वो ठीक आपकी गाड़ी के आगे हैं। ओके, हमारे आगे ही है। मैडम मैडम थोड़ा और जल्दी चलाइए। सर सर सर, वो बाई मुड़ गए, आप लेफ्ट मारिए। सीधे जा रहे दो, चला गाड़ी। अरे लेफ्ट मतलब होने वाला, आप सीधा कहाँ जा रहे हो? चौका सर, हॉस्पिटल नहीं जाना है। शेखर, तुम्हारे मोबाइल में सिग्नल है क्या? देख लो। अरे ये लेडी मिस्टर इंडिया कहाँ गायब हो गई? प्लान ये है कि अकाउंट से पैसे निकालने के बाद तुम कार को डाइवर्ट करके कृष्णा बैरेज की ओर ले जाओगे। मैं ऐसा ड्रामा करूंगी जैसे तुमने कार का रास्ता बदल दिया। तुम मुझे चाकू दिखाओगे और धमकी दोगे, मैं डरने की एक्टिंग करूंगी, तुम पैसे ले जाना और उसके बाद शेखर का चैप्टर खत्म। ड्राइवर, गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? क्या हुआ कात्यायनी? पता नहीं, ये ड्राइवर गलत रास्ते पर गाड़ी ले जा रहा है। ए, ड्राइवर, क्या कर रहे हो? आवाज दीजिए। कहाँ ले जा रहे हो? रुको, फोन मत उठाना। सर फोन उठाओ ना सर। अनु, कार घुमाओ। कम ऑन, टर्न टर्न टर्न। चौका जी, जगदीश को फोन कीजिए। चौका जी, चौका सर। ओह गॉड नो, अनु दे स्टैब्ड हिम। क्या? अनु गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। ओके ओके, मैं आपका फोन ले रहा हूँ। अनु, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। और तुम कहाँ जा रहे हो? जो कह रहा हूँ वो करो, ये उसे पकड़ने का आखिरी मौका। नहीं नहीं कल्याण, अनु को कल्याण। ठीक है सर। सर आपका इनकमिंग में भी कटता है क्या? जगदीश, कल्याण बोल रहा हूँ, तुम नंबर ट्रैक कर रहे हो ना? वो दोनों ही नंबर स्विच ऑफ बता रहे हैं, ट्रैक नहीं कर सकता हूँ। मेरा नंबर ट्रैक करो। आपका नंबर ट्रैक कर रहे हैं? ओके सर, क्या दिमाग है आपका, वो गाड़ी मिल गई सर। मेरे बाद अगर कोई सच्चा देशभक्त है तो आप हो। वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? लोकेशन बताओ। वो कृष्णा पुल के आसपास है सर। लिफ्ट। तुम हो कौन और ये तुम हमें कहाँ ले आए? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ड्राइवर, तुम कर क्या रहे हो हमारे साथ? कोई बचाओ, हेल्प हेल्प। वो पीछे आ रहा है। यहाँ से भागो। ए, बड़ा पत्थर लेकर आ। बात है, ढूंढ निकाला मुझे। वेनेला, वेनेला चोचना, और अब कात्यायनी। और कितने लोगों को धोखा देगी तू? हाँ, और कितनों से प्यार का नाटक करेगी? और कितने मासूमों को लूटेगी? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। सरेंडर कर दो। ओके, मैं सरेंडर कर दूंगी और कन्फेस करके मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन पहले किताब लिखनी है मुझे।
जिसके आखिरी पन्ने पर तेरी मौत होगी। कमजोरी ही मेरी ताकत है। प्यार की कीमत जानते हैं। तू तो धोखेबाज है। प्यार करेगी? गुंटूर जिला की हनी उर्फ कात्यायनी उर्फ वेनेला ने बचपन में अपने सौतेले पिता द्वारा शारीरिक शोषण किए जाने के कारण खुद को एक बहुत लंबे अरसे तक असहाय पाया। प्रतिशोध की आग में वो मर्दों को धोखा देकर उनसे बदला लेने लगी। मानसिक संघर्ष करती हनी ने अदालत के सामने अपने जुर्म कबूल किए हैं। सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए धारा 417, 419 के साथ धारा 420 IPC के अंतर्गत हनी को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ साथ उसकी मानसिक बीमारी के इलाज के लिए अदालत ये आदेश देती है कि उसके पूरी तरह स्वस्थ होने तक उसे मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाए। बचपन में जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम अगर यहाँ अच्छा बर्ताव दिखाओगी तो शायद जल्दी छूट सकती हो। हौसला रखो। I'm sorry. यहाँ देखो। Thank you for everything that you did for me. मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। यकीन करो। I love you too.
लव यू थ्री। सॉरी। सही में और गलत में, न्याय में और अन्याय में, धर्म में और अधर्म में, टेररिस्ट में और आइसक्रीम में, स्टेट में और रियल एस्टेट में सही चुनना तो मुश्किल होता है, लेकिन मेरा फैसला अरे हट, माँ के आशीर्वाद से सही निकला।